तो होने नहीं देंगे हम, हमारे सफाई कर्मचारी रेगुलर हमने। और देखिए आप देख सकते हैं कि यहाँ ये देखिए आप, ये इसका रूम है पंचायत का, तो पंचायत की जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या सर? आप बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि ये जरूरी है सर इसका। आप देखिए आंगनबाड़ी सेंटर आप बता रहे हैं, तो ऐसी खस्ता हालत में आंगनबाड़ी, क्या ये आपकी नजर में सही है? हाँ जी, आपकी नजर में ये कार्य सही है? देखो ये तो अब लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था सर, लॉकडाउन गांव में इतनी समस्या नहीं है, लेकिन सफाई की व्यवस्था तो पहले भी होनी चाहिए। अच्छा एक हमारे पास कर्म किया है, एक से एक दिन में ये कोई काम नहीं होता, इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है जी। हाँ जो प्रोसेस पूरा होगा। क्या मुनादी वगैरह करवाई गई थी आपके? करवाती कुछ लोगों का आरोप है कि गांव में मुनादी नहीं कराई गई सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, हर बार मुनादी करवाती है जी, मुनादी आवाज नहीं मन में और किसी को ना किसी को कहते आए ना कहने कहे, ये कहने में कुछ नहीं कहते, आपके मान्य चाहता है दुकाने की कोशिश नहीं रहती है जी। इसमें कुछ डिमांडे है और कुछ जैसे कंप्यूटर वगैरह का कोई परमे वगैरह का, इसलिए यहाँ बोली नहीं हो रही। तो चंद्रावल ग्राम पंचायत है, आज आपको पता चलेगा कि यहाँ सरपंच के अलावा यह अधिकारी भी बिल्कुल निकम्मे और नाकारा टाइप के हैं, क्योंकि यह जिस जगह बैठते हैं उस जगह की गंदगी का भी इनको एहसास नहीं है, और बोलते हैं कि सफाई कर्मी रख रखा है। कुत्ता भी जहाँ बैठता है वहाँ साफ सफाई करके बैठता है, और यह जिस आंगनबाड़ी में बिना मुनादी की बार बार बोली लगाते हैं, हालांकि इनके हिसाब से मुनादी लगी है, वहाँ खुद इतनी गंदगी। आप देखिए राम प्रकाश की पूरी रिपोर्ट। वीडियो सेक्टर साहब पूछ के आए, वीडियो से वीडियो क्या जवाब दिया है? हम तो जिस सात बार जाया मोटरसाइकिल का तेल बाल दिया, मन मिलेगी नहीं। आप बताओ, सुनो सुनो भाई रुको, ये आपका मसला है, हमने दरखास्त दे दी अपन पंचायत हमारा रूप ये आप मिलो अधिकारी से, भाई आप बताओ मैं बोली करने जाता हूँ, मेरे तो ये सोल्यूशन हो गया, मैं कैसे बोली करूंगा? पंचायत पंचायत ने अपनी कार्रवाई कर दी भाई, दो एप्लीकेशन देनी होगी बस। तो फिर अभी आपका मसला तो आपका रह गया, वो तरीका माफ, एक मिनट है, वो सारी सारी चीज समझ गया। आपस की लड़ाई लड़ी हो, लड़ाई आपस की राष्ट्र खत्म होगी। पहले कितने नहीं करते, मेरी वर्मा ने चाहिए कि जमीन में पानी डालता उसमें, एक मिनट है। अब यहाँ चौपाल में है चंद्रावल की, और यहाँ पर कोई पंचायती जमीन की जो है बोली लगनी थी, और मौजूद है यहाँ सेक्रेटरी साहब और कुछ ग्रामवासी भी, आइए पता करते हैं कि बोली छूटी है या नहीं छूटी है। अगर नहीं छूटी है तो उसका क्या कारण है? कुछ लोगों ने आरोप लगाया था कि बार बार उन्हीं आदमियों को बोली दी जाती है, और न ही यहाँ पर कोई मुनादी कराई जाती है। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं राम प्रकाश, लोकल न्यूज ऑफ इंडिया गाँव की, दिल्ली से। तो सर अभी यहाँ जो ये जो ग्राम पंचायत है, इसमें किस प्रकार की पंचायतियाँ हो रही थी अभी आपके संदर्भ में? ये श्यामलाल भूमि की पट्टा नीलामी। कितने किले हैं सर यहाँ पे? यहाँ नियर अबाउट 24-25 एकड़। बोली अभी होगी यहाँ? नहीं नहीं, बोली नहीं होगी। क्या कारण है सर इसका? इसमें कुछ डिमांडे है और कुछ जैसे कंप्यूटर वगैरह का कोई परमे वगैरह का, इसलिए यहाँ बोली नहीं हो रही। तो बोली के लिए सर कोई मुनादी वगैरह कराई जाती होगी गांव में? हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसा क्या मुनादी वगैरह करवाई गई थी आपके? हाँ जी, हाँ जी, करवाती हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि गांव में मुनादी नहीं कराई गई सर, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं सर, हर बार मुनादी करवाते हैं, हर बार कराते हैं। मौजूदा ग्रामवासी भी हम इनसे भी पता करते हैं, क्या मुनादी गाँव में कराई गई थी इसके तहत? हाँ जी भाई साहब, आप बताएंगे मुनादी हुई थी गाँव में? हुई है। क्या मंदिर में अनाउंसमेंट हुआ था? लेकिन कुछ लोगों का आरोप है कि मुनादी नहीं कराई गई थी। लोग करे मुनादी ये करते। हाँ जी, नहीं कराई गई। हाँ जी, मुनादी नहीं कराई गई, आवाज नहीं हुई, मन में भले कट ले, और किसी को ना किसी को कहते आए ना कहने कहे, ये कहने में कुछ नहीं कह, ये आपके मान ले चाहता है दुकाने की कोशिश नहीं रहती है जी ज्यादा। तो अभी क्या समस्या आई आप लोगों को, जो अभी बोली यहाँ लगाई नहीं गई? सेक्रेटरी साहब ने बताया कि बोली हुई नहीं है जी, ये कुछ काम के लिए बोल रहे थे जी, जो बर्मा था ये
और जो रुकी हुई है भूमि वो भी मिले खाली करवाना चाहते हो आप, जो पहले किसी ने दबा रखी होगी मतलब वो खाली कराना चाहिए आपको। पहले जो बरसांगे थे जी मकान को जो झोपड़ी वो उठ गई थी और उनमें दरखत तो मुनादी कराई गई थी अंकल जी, आप बताएंगे मुनादी हुई थी गाँव में? मुनादी जी दो बार का खूब लसमिया। अच्छा जी, रात बोल घूमते तो कुछ लोगों का कहना है मुनादी हुई थी, कुछ का कहना है कि मुनादी नहीं हुई थी, और लोगों ने बताया कुछ बर्मे की डिमांड है और कुछ पुली वगैरह की डिमांड है। सेक्रेटरी साहब एक मिनट जरा, इनको मैंने ये बताया कि माँ सोमवार को 10 बजे के करीब हमने बोली होगी और ये कह रहे हैं कि माल्या नाश वगैरह नहीं होती, इनका कहना है और कुछ लोगों का भी कहना आपके सामने लोगों ने बताया। एक सर हमने अभी गांव की जो हम जब एंट्री करते हैं गांव से अंदर बाहर के फिरने की काफी लोगों की शिकायत है, उनकी भी हमने कवरेज वगैरह की है, तो उन लोगों का कहना कि वहां पर एक बरसाती नाला था जो कि अभी बूढ़ दिया गया है। हाँ जी। और उनको काफी सरपंच से जो है शिकायतें हैं, तो आप उसका खुलवा नहीं सकते सर? नहीं खुलवाएंगे। और लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, हम उसको जरूर खुलवाएंगे और जो भी नजायज करते हैं उसको भी तुड़वाएंगे। और जो गली का भी है लोगों में काफी भारी रोष है, वहां लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जो वो गली है फिरनी है जो कच्ची गली है और वहां से लोगों का कहना कि खुला मतलब पशु को खोल देते तो वो भी नहीं निकल पाता है गली के अंदर से। देखो अगर नाला टूट गया है तो हम प्रशासन वगैरह, नाला टूटा नहीं है सर, लोगों ने जो है नाला कहीं ना कहीं मिट्टी डाल के बूझ दिया है, हम उसको खुलवा देंगे। तो ऐसा आप देख रहे हैं सर, एक तो कोरोना महामारी है जो देश में भारी पैर पसार रही है और दूसरा मलेरिया और डेंगू के जो केस हैं गांव में काफी ज्यादा हद तक बढ़ते हैं, तो इकट्ठा पानी होने की वजह से ये बीमारियां फैलती है गांव में। होने नहीं देंगे, हम हमारे सफाई कर्मचारी रेगुलर काम करता है। तो सर एक चीज हमने और देखी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ ये देखिए आप, ये इसका रूम है पंचायत का, तो पंचायत की जिम्मेवारी नहीं बनती है क्या सर? आप बताएंगे इसके बारे में, क्योंकि ये जरूरी है सर इसका। आप देखिए आंगनबाड़ी सेंटर है, आंगनबाड़ी सेंटर आप बता रहे हैं, तो ऐसी खस्ता हालत में आंगनबाड़ी, क्या ये आपकी नजर में सही है? हाँ जी, आपकी नजर में ये कार्य सही है? देखो ये तो अब लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था सर, लॉकडाउन गांव में इतनी समस्या नहीं है, लेकिन सफाई की व्यवस्था तो कहीं ना कहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक हमारे पास कर्मचारी है इसलिए तो कर्मचारी बढ़ाने की कुछ कोशिश कीजिए सर, सरकार को कुछ मतलब आप लोग भेजेंगे तो ही कुछ। हमने लिखित में प्रस्ताव वगैरह भी दिया है, एक से एक दिन में ये कोई काम नहीं होता, इसका प्रोसेस बहुत लंबा होता है जी। हाँ, जो प्रोसेस पूरा होगा हम इसको मतलब व्यवस्था के लिए, आप व्यवस्था के लिए आप सुचारू रूप से लगे हुए जी सर। ऐसे सेक्रेटरी साहब का कहना है कि व्यवस्था को मतलब सही करने के लिए और दुरुस्त करने के लिए कहीं ना कहीं अपने प्रयास जो इन्होंने जारी किए हुए हैं, ये है गुना एरिया के चंद्रावड़ गांव के सेक्रेटरी हैं, पंचायत सेक्रेटरी मौके के, जो इन्होंने बाकी सभी जानकारियां हमें दी और आश्वासन दिया कि हम आगे भी जो है कार्य करते रहेंगे।